फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गैस मेरे पास जो फ़ोन है वो है वीवो का वीवो Y21T, जिसमें कि डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम थी और हमने इसी फ़ोन को जो है वो रिपेयर किया था, इसके डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके डिस्प्ले में जो है वो पानी गया था, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो है ना, इसी फ़ोन का जो है वो सेक्शन चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और रिपेयर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। टच की लाइनों को चेक करेंगे कि हमारी एक्चुअल में वैल्यूज़ क्या है और बोर्ड की कंडीशन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका बोर्ड है, ठीक है। और मल्टीमीटर को हमने डायोड रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। डायोड रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद अब चेक करेंगे कि इसकी GR वैल्यूज़ क्या बनती है, ठीक है। तो ये हमारा मीटर है जो कि डायोड रेंज पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। रेड प्रोब को ग्राउंड कर लूँगा और ब्लैक प्रोब से जो है वो चेक करेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे कितना 360 का GR आ रहा है। तो ये वोल्टेज की लाइन है गाइस, रेड वाली। उसके बाद जो है 5 नहीं है, 6, 6 पे जो है हमारा कितना GR आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे। अब ये जो GR है ना 518, मतलब 520 के अंदर, मतलब अंदर और 480 के ऊपर का GR बाकी सब पे आना चाहिए, ठीक है, जितनी भी लाइन है। तो ये तो 6 हो गया हमारा। उसके बाद ये जो है वो 7 नंबर, देखो 7 नंबर पे कुछ भी GR नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे 7, और ये जो है 8 नंबर ठीक है, 9 नंबर भी ठीक है, 10 नंबर भी ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 नंबर भी ठीक है, 11 नंबर पे भी जो है GR। तो ये जो, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, खाली जो सस्पेंस में दिख रहा है वो 7 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो 7 नंबर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, 7 नंबर को ही फॉलो अप करेंगे और देखेंगे 7 नंबर की लाइन जो है वो कहाँ जाती है। तो गाइज, लाइट जो थी हमारी वो लाइन जो है ना मीशो की लाइन थी, और मीशो की लाइन में ना यहाँ पे एक रजिस्टर का पोजीशन था, देखो मैंने देखा। तो वो रजिस्टर जो है ना, जब मैंने इसका पत्रा कट किया था लाइट बनाने के लिए, तो उस टाइम पे ना इसका वो कंपोनेंट जो है वो निकल गया था। यहाँ से अगर आप देखो तो वो पत्रा कट करते टाइम जो है ना, यहाँ पे एक कंपोनेंट था जो कि निकल गया था। और ये जो है रजिस्टर, अगर हम यहाँ पे, एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, इसको शॉर्ट करके देखता हूँ कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। अभी चेक करते हैं GR आ रहा है या नहीं आ रहा है, मगर GR नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उस रजिस्टर की वैल्यूज देखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो 450, 450 के अबो आ रहा है। अगर वो रजिस्टर की कुछ वैल्यूज होगी तभी GR हाई होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं फिर भी टच काम कर रहा है या नहीं। तो फाइनली गाइज, हमारा काम जो है वो हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टच जो है वो प्रॉपर जो है वो चलने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फ़ोन में हमने टच की प्रॉब्लम को जो है वो